हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। और सुबह के बज गए हैं 8, मेरा वीडियो 8 बजे स्टार्ट हो रहा है और मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, सुबह के मैं बना रही हूँ चाय और मैंने पूजा वगैरह कर लिया। ये देख लीजिए मेरी माता जी, और मैंने पूजा वगैरह करके मैं चाय बनाने जा रही हूँ। तो दूध उबल गया है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ शक्कर, चाय पत्ती, अदरक और लौंग, क्योंकि मुझे आजकल लौंग की चाय पसंद है, तो मुझे मैं लौंग पीने वाली चाय पीने जा रही हूँ। आइए आप सभी पी लीजिए गर्मा गर्म चाय। और उधर से कचरा गाड़ी आ गई फ्रेंड, तो मैं पहले कचरा डाल देती हूँ, क्योंकि आज 6 दिन हो गया कचरा नहीं आया, गाड़ी नहीं आया था, तो मेरी 2 बाल्टी फुल हो गई है और 2 में मैंने पन्नी में पैक करके रख दिया। तो मैं पहले कचरा डाल देती हूँ, फिर उसके बाद में चाय बनाएंगे फिर फ्रेंड्स। तो मैं कचरा डाल के आती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। ओके, और फ्रेंड्स में कचरा डाल के आई और मैंने चाय में चाय पत्ती भी डाल दिया, शक्कर अदरक सारी चीज़ें डाल दी, मैंने चाय बनने वाली है। और आइए आप सभी पी लीजिए। मैं होटल जैसी चाय बनाती हूँ फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना। ये देखिए, और गांव में क्या होता है फ्रेंड्स, सब चाय इसमें चाय को चम्मच से निकालते रहते हैं, ऐसे चम्मच से हिलाते रहते हैं, तो उसका स्वाद बिगड़ जाता है फ्रेंड्स, तो इसलिए ऐसे करते रहो, आराम से चाय उबल जाती है। फ्रेंड्स, मैं चाय बना के पापा को दे आती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। और आइए ये वाला बिस्किट खा लीजिए, देखो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ऐसे सोते हैं, देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अब मैं सबसे सब्जी वगैरह काटती हूँ। तो सब्जी में मेरे पास ये देखिए गोभी टमाटर रखा हुआ है, तो आलू गोभी टमाटर की सब्जी बना लेती हूँ। और ये मैंने भाजी खरीदा है, इसलिए है ये वाले भाजी को चावला फली बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। और इधर से मेरी काबू बिटिया जाग गई है, गुड मॉर्निंग बिट्टू। इसका फ्रेंड बोलता भी है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको खांसी जुखाम बुखार यही सब है, और ऐसे ही परेशान कर रही है, देख लीजिए कैसे कर रही है। और फ्रेंड्स, अब मैं काबू बिटिया को अपने दवाई पिलाने जा रही हूँ। ये देखिए कितनी सारी दवाइयाँ हैं इसमें, ये देखिए इतनी सारी दवाइयाँ कल लेकर आई, इतनी सारी दवाइयाँ हैं।
मैंने दवाई पिला दिया है काबू के, देख लीजिए इतनी सारी दवाइयाँ। और जिसको मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ सारा गंदा कर दिया है इसने। और फ्रेंड्स मेरी काबू बिटिया चली गई दुकान, उसको चाहे जो जितना भी तबीयत खराब रहता है फिर भी वो दुकान जाती जरूर है। और मैंने तो उसको दवाई वगैरह पिला दिया और तैयार भी कर दिया और वो दुकान चली गई पापा के साथ। और अब मैं फ्रेंड्स ये दरवाज़ा वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि मैं खाना वगैरह बनाऊँगी तो आगे वाले रूम में कोई नहीं रहेगा। और मेरा कछुआ महाराज आप सबको दिखा दे, ये देखिए कैसे बैठा हुआ है, ये इसी टब में रहता है, इसको पता नहीं क्या हो गया फ्रेंड्स, ये खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाता है। दाना तीन महीने हो गए इसके दाने लाए और ये दाना भी नहीं खाता है, पता नहीं क्या हो गया, बस ऐसे सुखड़ा बैठा रहता है इसमें। तो फ्रेंड्स अब मैं इस दरवाजा वगैरह लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये एक हाथ से नहीं लगेगा, इसको कस के लगाना पड़ेगा। तुमने दरवाजा लगा दिया है फ्रेंड्स। और ये पापा के लिए नाश्ते मैंने दिया था चना और ब्रेड, तो पापा ने ब्रेड ही खाया, चना थोड़ा सा ही खा के चले गए क्योंकि कोई आया था उन्हें दुकान पे बुला रहे थे, तो चले गए फ्रेंड्स। इतना तेज धूप निकला हुआ है आज, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत तेज धूप है, इतना तेज चला आ रहा है। आज 3-4 दिन के बाद ही हमारे यहाँ धूप हुआ है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं कितना अच्छा लग गया। तो मैं चलते हुए फ्रेंड्स फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, और सब्जी बनाने के बाद में 11:30 बज गए हैं, तो उसके बाद में मैं कपड़े धुल के छत पर डाल आती हूँ, नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि सूखते नहीं हैं कपड़े जल्दी। तो मैं चलती हूँ फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने आलू और गोभी पहले ही काट रखा था, मुझे तड़के के तो तैयार करने हैं और फिर उसके बाद में बघार लगाना है, तो मैं जल्दी से तैयार कर लेती हूँ और बघार लगा दूँगी, फटाक से कपड़े धुल लूँगी। जितना जल्दी फ्रेंड्स आराम मैं तैयार कर लूँगी उतना जल्दी ही मुझे आराम मिलेगा, क्योंकि आज मैं आप सबको बता दूँ फ्रेंड्स, आज मैंने दवाई खाया है, आप सबको बता दूँ क्यों, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में पता नहीं क्या हो गया था, यूँ खुजाल चल रही था और इतने छाले निकल आते थे क्या बताए। तो कल मैं गई थी काबू का दवाई लेने, तो मैं खुद के लिए भी लाई, ये देख लीजिए इतनी सारी दवाइयाँ हैं, और ये सारी दवाइयाँ मैंने खाई हैं कल रात में खाया है, और मुझे बहुत नींद आ रही है, ये देख लीजिए, ये ऐसी दिल वाली दवाई दिया है डॉक्टर ने, ये देख लीजिए, और इसमें खुली दवाइयाँ हैं, ये सारी दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने, तो ये खाई में तो रात में इतना भयंकर नींद आ गया था क्या बताएं। और मैंने ये इसलिए मैं इस टाइम दवा नहीं खाई, ये 3 टाइम का दवा था लेकिन मैंने नहीं खाया, क्योंकि इतनी टाइम खा लूँगी फ्रेंड्स तो मुझे नींद आएगी, तो मेरा काम कौन करेगा, तो इसलिए मैंने ये दवाई नहीं खाया है। अब मैं सुबह मतलब दोपहर में सारे काम करने के बाद ही खाऊंगी। और फ्रेंड्स इतना आराम मिल गया मुझे, ये सारे हाथ पैर इतने खुजाल रहे थे, चेहरे वेरे पे इतना खुजाल चल रहा था, लेकिन आज कुछ भी नहीं खुजाल चल रहा है, अच्छा साफ दिख रहा है मेरा चेहरा भी और हाथ पैर भी। और इतना खुजालते खुजालते कल तो मैं रोने लग गई, 1 घंटा बैठ के रोया खूब, पाउडर वगैरह कुछ भी आराम नहीं कर रहा था, इतना लग खुजाल चल रहा था। और वो रोटी वाले भैया आ गए तो मैं रोटी दे देती हूँ, लेकिन लगता है मैंने रोटी कल शाम को गाड़ी आई थी ना, तो मैंने शाम को ही दे दिया, मुझे याद नहीं रहा।
तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं चलती हूँ सब्जी बनाती हूँ। और फ्रेंड्स इधर मेरी सब्जी हो गई है, आप सबको दिखा दूँ मैं। ये देखिए, और सब्जी बनाते बनाते मैंने तीनों रूम में झाड़ू वगैरह भी लगा लिया था, और गलियारे में लगाना है। तो ये देख लीजिए, अभी गलियारे में झाड़ू पर मतलब कूड़ा पड़ा हुआ है, तो इसको मैं उठा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, और जितना मैं जल्दी करती हूँ फ्रेंड्स उतना ही देर हो जाता है। इतनी जल्दी मेरी कभी बिटी आ जाती है। देख लीजिए, ये आ गई है दुकान से, और इसको बुखार बहुत तेज है फ्रेंड्स। दवाई पिलाई थी लेकिन आराम नहीं हुआ है, बुखार ये देख लीजिए कितना तेज है। और ये कार्टून की वजह से बैठी हुई है मोबाइल पर, देख लीजिए जैसे बंद होता है ऐसे परेशान करती है। तो इसलिए फ्रेंड्स तो मैं चलती हूँ झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। अब मुझे कपड़े धुलना है, और मैं पोछा नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल शाम को पानी आया था, नल आया था, मैंने धुल लिया था सारे कमरे। किचन को तो रोज पोछा मारती हूँ लेकिन ये दोनों रूम मैंने धुल लिया था, और गलियारा भी साफ कर लिया था। देख लीजिए साफ सुथरा दिख रहा है, और इसलिए मैं इस पर पोछा नहीं लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स चलती हूँ गलियारा में भी झाड़ू निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सबसे। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने गलियारा में भी पोछा वगैरह लगा दिया, कितना चमकने लग गया है। और कपड़े भी मैंने धुल लिए, वो वहाँ पे डाले हुए आप सब देख सकते हैं। और मेरी काबू बिटिया बहुत रोने लग गई थी, ये देखिए आप कैसे शक्ल बना रही है, ये अपना पूरा जीव निकाल दिया इसने। तो फ्रेंड्स अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि बज गए हैं 2, और मुझे अभी रोटी बनाना है, कपड़े ऊपर डालना है, और काबू को सुलाना भी है, बहुत परेशान कर रही है। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा ब्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें, और छोटी सी नन्ही सी ब्लॉग को जरूर प्यार दुला दें। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय कर दो बेटा, बाय 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 बाय।